गाड़ी देना रिंग नहीं भाई की एक वीडियो पे कम से कम 15 मिलियन कितने 15 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं एंड 2 मिलियन लाइक हो चुके हैं। पे अटैक करने के लिए आया ना, एक पल के लिए हमने सोचा कि बस गए, धक धक हो गया था दिल में। तूने वैसे हमारे जुगड़ी झार कर दी थी। लुक एट दिस, ये हमारे नाम का पर्चा फट चुका है। इधर 11 बजे भी डीजे बजेगा। ये है आपका पूरा श्रीनगर मार्केट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुसाफिरी की 09। तो मैं हूं आपका दोस्त परमवीर नेगी और मैं टेरी गढ़वाल के गंसारी साइड से बिलोंग करता हूं। सो बहुत टाइम बाद आज आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूं। हम जा रहे हैं अभी श्रीनगर शादी में, तो लेट्स गो। अभी वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कैसे। चलिए अभी एक दोस्त आ रहे हैं, उनसे भी मिलाएंगे आपको, देन हम यहाँ से सीधे चलते हैं श्रीनगर के लिए। तो मैं हूँ दोस्तों अभी बाईपास में, और ये देखे यहाँ से नितिन आ रहा है सामने से मेरी स्कूटी लेके, वो रेडी होने गया था। तो चलिए अभी चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। बहुत सही है भाई, बहुत सही, भयंकर जम रहा लौंडा। तो ज़्यादातर क्या होता है लोगों, लड़के हो चाहे लड़की हो, शादी में जाने के लिए सबसे पहले रेडी होते हैं और पहले पूछेंगे कैसे लग रहे हैं। गाइस अभी हम निकल चुके हैं कंसाली से श्रीनगर के लिए। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और देखते हैं हम कितने बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। बाकी अपने जो दोस्त लोग हैं वो वहीं पे हैं, उनसे ही मिलाएंगे आपको। आप पहले सफ़र का मज़ा लीजिए हमारे साथ। पीछे हमारा कंसाली है, देखे सामने देखे कितनी प्यारी धूप है। बाकी यहाँ इस साइड जो है धूप चले जाती है, तो ऐसा कुछ दगड़े। अभी हम पहुंच चुके हैं जागदार में और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है पीछे मामा जी का होटल है। नितिन यहाँ पे रुका है, उसके मामा जी यहाँ पे रहते हैं गडोलिया में। बाकी ये थोड़ा बहुत छोटा सा मार्केट जागदार का है। अगर इस वाली रोड पर अगर आप जाते हो तो ये टिहरी वाली रोड है और ऋषिकेश देहरादून की है। बाकी हम जाएंगे इस वाली रोड पर बिकॉज ये जाता है श्रीनगर के लिए ये वाला रूट। और ये हमारे साथ अपने पार्टनर लोग जो काफी स्वैग में चल रहे हैं। बना दी देख रहे हो गाइस रील्स लवर, दिस वन अपनी RS 200 और ये हमारे साथ ऑल इन वन ब्लॉग। कर देना रिंग नहीं। कितने रील्स बनाए तुमने हैं? तो गाइस भाई को भी सपोर्ट कीजिए ऑल इन वन ब्लॉग्स को। और इनका जो इंस्टाग्राम है बहुत ही आजकल ट्रेंड में चल रहा है। भाई की एक वीडियो पे कम से कम 15 मिलियन कितने व्यूज 15 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं एंड 2 मिलियन लाइक हो चुके हैं। तो सपोर्ट भाई का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को। हमें अभी है वॉच टाइम की जरूरत, तो उसे भी कंप्लीट करेंगे आप लोग। बाकी ये अभिषेक भाई है हमारे साथ, नितिन भाई हैं, हम सब लोग जा रहे हैं अभी श्रीनगर। बाकी कुछ दोस्त लोग पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको। ये भाई लोग तो अभी रील्स वगैरह बना रहे हैं। इनका क्या है, इनके पास तो RS 200 है, मेरी ड्रीम बाइक है वो। बाकी ये तो आते रहेंगे हमारे पास से अपनी हम सफर स्कूटी, तो इसमें चलेंगे हम तो निकलते हैं, बाकी भाई लोग पीछे से आते रहेंगे। तो अब सीधा मिलते हैं, या तो रास्ते में मिलेंगे या तो आपको सीधा श्रीनगर में मिलेंगे। तो चलिए, तो ये है दोस्तों पोखर का एक छोटा सा मार्केट और आज संडे भी है तो का दगड़ियो। अभी हम पहुंच चुके हैं मलेथा में और अभी हम जा रहे हैं मलेथा वाली रोड पे। मानसिंह भंडारी जी ने जो सुरंग खोदी थी वहाँ पे हुआ है, तो आपको दिखाते हैं ब्लॉग में। बाकी उसके बाद हम चलेंगे श्रीनगर के लिए। मैं वैसे इस रोड पे पहली बार आ रहा हूँ इस वाले रोड पे, और शायद ये वाला देवप्रयाग वाला रूट भी है, चलिए आपको दिखाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं माधव सिंह भंडारी जी ने जो सुरंग खोदी थी ना गांव वालों के लिए, तो उसको देखने जा रहे हैं क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं। बाकी हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। कुत्ते हैं ना बहुत डेंजर भाई, सब सीधे खाने आ गए थे हम पे, धक धक हो गया था दिल में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे सुरंग है, और ये वो दो डेंजरस रोगी
तो ये देखिए वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी ऐतिहासिक गोल मलेथा, यहाँ से पानी आता है देखिए, अरे शायद पूरे गांव में जाता है। इसका जो डॉगी का नाम है सिम्बा है, और इसके मालिक इसे बुला रहे, पर जा नहीं रहा। चल चल घर चल, चल टाटा बाय बाय। तूने वैसे हमारे जुगड़ी झर कर दी थी भाई साहब, जब ये हम पे अटैक करने के लिए आया ना, एक पल के लिए हमने सोचा कि बस गए, पर नहीं। डॉगी को, डॉगी अगर कभी भी आपकी तरफ भागता है तो चुपचाप खड़े हो जाइए, लगता तो है कि खाने आता है, पर नहीं, अगर आप भागोगे तो ज़रूर अटैक कर देगा। भाग्य दोस्तों, हमने गूगल तो देख ली थी, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे मंदिर भी है कि, और माधव सिंह भंडारी जी की मूर्ति भी है। आई एम राइट, वही है ना जो मैं बोल रहा। क्या अरे ऊपर में रोड है मेरे ख्याल से, अच्छा हो गया से रोड वहाँ या यही है ना उसकी, उनकी वो मूर्ति। अभी मैं बता दो आगे से, मेरे को पता यार अगर ऐसा पूरा पता। हमारे साथ जो नितिन भाई हैं वो ऑलरेडी वहाँ यहाँ पे आ चुके हैं, बिकॉज ये इंस्पायर वाले बंदे हैं, इंस्पायर कैंप में आए रखे थे यहाँ पे, तो वो टाइम पे ये शायद कैंप की तरफ से आए थे। बाकी लेट्स सी, आपको भी दिखाएंगे और एक्सप्लोर करवाते हैं। बहुत टाइम सोचा था कि यहाँ आएंगे, चलो आज आ ही गए, शादी के बहाने यहाँ भी घूम लेंगे। लग रहा है दोस्तों ये देखे पूरा जंगल ही जंगल। ये कुछ ऐसी लोकेशन है, यहाँ पे हमें एक मंदिर भी मिला है, सामने से देखिए सनसेट भी हो रहा है, उसकी प्यारी सी एक किरण हमारे मुंह पे पड़ रही है। बाकी ऐसा कुछ जंगल है, चलो आगे देखते हैं क्या है। वैसे मेरे को तो यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं, कुछ खास लगा क्या, कुछ खास दिखाई नहीं, लगेगा कहाँ से। बाकी यहाँ पे पानी की नहर है, अब पता नहीं भाई तू ही आ रहा है यहाँ तब। गोना प्रैंक है कुछ कुछ नहीं है। अच्छा ये है, ये पानी तो वही नीचे जा रहा है दोस्तों। गुफा जो मैं अभी आपको पहले नीचे दिखा रहा था, तो ये शायद वहीं नीचे जाके मिलती है। बाकी ये पाइपलाइन देख रहे हो, ये सब गांव की तरफ जाती होंगी, यहीं से मेन पानी जो है सप्लाई होता है। अच्छा ये है बस गुफा है, बाकी दगड़ियों में एक जगह पे आ रखा जहाँ से ऐसा प्यारा सा नज़ारा दिखता है। बाकी आप यहाँ देखिए सनसेट हो रहा है, और आपने बहुत सारी जगह देखा होगा माधव सिंह भंडारी जी की मूर्ति, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये बन रहा है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, जो ऋषिकेश से होके आ रही है रेलवे लाइन, वो यहाँ जाके आएगी। दगड़ियो अभी हम पहुँच छन कीर्ति नगर माँ, आपको कीर्ति नगर टू मार्केट हाँ, यहाँ अंदर मार्केट है, साइड में रोक दे। अभी हम हैं कीर्ति नगर वाले पुल में, जो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से, और हमारे पीछे है अलकनंदा नदी। कितना प्यारा दिख रही है, कितनी प्यारी दिख रही है, मतलब आजकल इसका जो कलर है ना वो ग्रीन हो रखा पूरा। वैसे टाइम पर अगर बारिश के मौसम में आओगे ना आप यहाँ पे, तो इसका पूरा मटमैला कलर रहता है। और जो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सीन हो गया दोस्तों, लुक एट दिस, ये हमारे नाम का पर्चा फट चुका है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, और अभी हमें गोला मार्केट में, तो हाँ यहाँ से शायद, तो गोला मार्केट में देखिए काफी भीड़ भड़ा का है यहाँ पे अभी। और ये है ऑल इन वन ब्लॉगर, और ये अभिषेक पुंडीर, और ये इनके RS 200, बोले तो अक्खा अपनी ड्रीम बाइक नहीं। और यहाँ पर शानदार सा मार्केट श्रीनगर का। तो अभी सब घनसाली वाले लड़के मिल चुके हैं आपस में, तो मतलब कुछ बवाल चीज होगी ये पीछे हमारे भाई लोग। भाई यहाँ का मार्केट बहुत सही है, बहुत सही। सो गाइस अभी हम होटल में पहुंच चुके हैं जहां पे शादी है, तो आपको अंदर का लोकेशन दिखाते हैं, लेट्स सी क्या होता है, चेक आउट।
फाइनली गाइस यहाँ पे ना 11 बजे भी अपना रोला चल रहा है कंसाली वालों का। नहीं नहीं नहीं, इधर 11 बजे भी डीजे बजेगा। यहाँ पे जो गाइस टाइम एकदम फिक्स था कि 10 बजे बंद हो रहा होगा तो होगा, लेकिन नहीं, अपने भाई लोग का पावर देखिए, डीजे फिर से चालू हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। तो देखिए अभी हम उठ चुके हैं और बाकी थोड़ा बहुत एंजॉय हुआ कल रात, जितना भी हुआ वो आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और अभी मैं हूँ एक जहाँ पे शादी हो रही है ना, उस लॉज का नाम है बीना शंकर लॉज, वहाँ पे हो रही है भाई की दीदी की शादी। बाकी आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ आपको श्रीनगर का, चेक आउट दिस गाइस। ये है आपका पूरा श्रीनगर मार्केट, बहुत लंबाई में फैला हुआ है, यहाँ देखिए पूरा इधर तक। और सामने बात करूँ तो मैं सामने पौड़ी है, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसमें पूरा काम चल रहा है। वैसे अभी बज रहे सुबह के 7:30 और सूर्य भी निकलने वाला है, तो चलिए अभी हम निकलते हैं घनसाली की ओर। ये अपने भाई लोग, हाँ भाई कैसी रही रात? अरे गजब गजब, आप पीछे देख सकते हैं, आप पीछे देख सकते हैं यानी कि रात है। और भाई भाई तो फुल मजे ले रहा है भयंकर। लॉस था कल रात को, आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि डीजे वगैरह बज रहा था, तो उसकी वजह से जो है कॉपीराइट आ जाता है। और एक कुत्ता जिसने हमें रात भर सोने नहीं दिया। तो ये वो लॉस था दोस्तों जहाँ पे शादी हो रही है, बाकी हम यहाँ पर रुके थे और हमारी गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार्क है। बाकी आपने देखा होगा हमारे साथ कुछ दोस्त लोग आए और वो कल रात को ही निकल गए थे घनसाली के लिए। बाकी देखिए धूप भी आ रही है धीरे धीरे, प्यारा सा सनराइज हो रहा है। हाँ भाई, ओ जल्दी कर गाड़ी साफ पर निकाल जल्दी बाहर। और यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी बहुत बड़ी व्यवस्था, यू कौन है इसका मंचूरियन बना बड़ी बेचारे को, बेचारे साथ हमने प्रैंक कर दिया। अब दे फिर डाउन दे था। देखो दोस्तों ये बेचारा बचने के लिए क्या, अभी ये न करे कर रहा है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। वेरी चालाक बनो ना, करना क्या चाह रहा है, अपनी मौत बुला रहा है। ऐसी होती है भाई, जब ना जब साइड में ला रहे तब कुछ नहीं कर रहा रिएक्शन। वो क्या है, जब गिद्धों की मौत है जो शहर की तरफ। दगड़े अभी हम पहुंच चुके हैं पोखाल में और यहाँ पे हमने थोड़ी आग जलाई क्योंकि भाई साहब ठंड से बहुत बुरी हालत हो गई थी। बाकी देखिए प्यारी सी धूप भी आ चुकी है, तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुल आप सब लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो ब्लॉग को लाइक शेयर, और चैनल पर अगर नए होते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।